सुनो मेरे भाई, आज भी वो पाचू ने मुझे बहुत सताया, मुझे मारा भी उसने, तुझे मालूम है। हम उसके दिखाएंगे हम कौन है। थोड़ा सब्र करो। भैया ये देखो, ये क्या है? ये बहुत ही अच्छा है। हाँ, ये दिखने में बहुत बढ़िया है। दिखाओ। अरे वाह, ये कैसे इधर आया? तुम ये घर लेके जाके तुम्हारे कलेक्शन के साथ रख सकते हो। वो सही बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो सुनो मेरे भाई, इसे यहाँ रहने दो। बहुत बढ़िया, चलो जाके कुछ खाते हैं। खाएंगे। मेरा सालों की प्रयत्न 90% सक्सेस हो गया। इस दुनिया का मेरे हाथ में लाने के लिए सिर्फ 10% बाकी है। कोस्टियम वाटर को मैं जरूर ढूंढेगा। दुनिया में है जो पूरा शुद्ध जल मेरा कोस्टियम वाटर से ड्राई कर देगा। तभी शुद्ध पानी के लिए लोग मेरे पास ही आना पड़ेगा। उसके बाद मैं ही राजा होगा। सभी ने देखा ना मैं क्या लिखा है? हाँ टीचर। ये सब अपने किताब में लिख लो और कल लाके मुझे दिखाना। ठीक है, मैं जाती हूँ। ये क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? मैंने जो लिखी वो पाचू ने सबको निकाल दिया। सुनो, उसके पिता मंत्री है और उनका ही है स्कूल। उसको अगर मैं कुछ करूँगा तो मेरा काम ही निकल जाएगा। सो प्लीज डोंट क्राई। इस बार के लिए तुम उसको माफ कर दो। प्लीज जाओ अब, गो टू योर क्लास। Oh no, it's too late. It's time for the bell. पाचू ने मुझे आज भी बहुत सताया। तूने देखा क्या? टीचर को बताई मैं, वो कुछ भी नहीं करते। उसका स्कूल है ना ये। मुझे ये स्कूल में पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है। मैं कहीं और स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। सबके लिए एक हल निकलाएगा, इंतजार करेंगे। क्या बना रही हो तुम? ओह माय गॉड, अभी क्या समय हुआ है? मुझे पता नहीं मैं यहाँ कैसे आई, मैं क्यों ऐसे कर रही हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। मेरे हाथ अपने आप चल रहा है, ये सब कैसे हो रहा है? है ये बहुत ही बढ़िया है, इसको हम लाल रंग देंगे। गॉड, हमने तो लाल रंग दिया था, लेकिन ब्लू कैसे आया? इट्स वंडरफुल। अरे मुझे तो बहुत डर लग रही है। ये तो आंखें भी खोल दिया। ये चीज जीवित है। ये क्या हो रहा है? मुझे डर लग रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम कंप्यूटर को शट डाउन करेंगे। हमारे दोस्त हो। तुम्हारा नाम क्या है? छोटा शैतान। छोटा शैतान? हाँ, मैं यहाँ तुम लोगों को बहस करने नहीं आया, लेकिन तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो। प्लीज मुझे मदद करेंगे? मुझे ये कंप्यूटर से बाहर जाना है। अगर हम तुम्हारी मदद करेंगे तो तुम क्या करोगे? तुम लोग जो ही चाहते हो वो मैं तुम्हें दिलाऊंगा। तो फिर अभी मैं कुछ कहता हूँ, तुम हमें करके दिखाओगे? कुछ भी करना है तो पहले इसे बाहर निकलना पड़ेगा। अभी मेरे पास कोई शक्ति नहीं। तुम जल्दी बताओ हमें क्या करना चाहिए। कल तुम लोगों को एक चीज मिली थी रास्ते से। हाँ जी, मैंने अपने पास वो सुरक्षित रखी हूँ। हाँ, वो तुम्हें प्रोफेसर भगत के गेट के बाहर से मिला था। भगत के पास ही था वो चीज। मुझे बुरी चीजें करने के लिए इस्तेमाल किया था। प्रोफेसर भगत अभी चाहते है ये दुनिया का ही सर्वनाश हो। Oh my God, is it true? जी जरूर, उनके पास मेरा सारा जीवन है। वो चीज उन्होंने जहाँ से मैं आया वहाँ से चुराया था। ये सब मैं जानता हूँ, फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप लोग कर सकते हो। मुझे मेरी बाकी बची हुई जिंदगी भी चाहिए। मेरी सौभाग्य है कि मैं तुम लोगों के पास आ सका। तुम्हारी बाकी हुई जिंदगी? हाँ, उस चीज के अंदर एक मनका है। उस मनका से ही मेरी बाकी जिंदगी मुझे मिलेगा, लेकिन उनके पास है वो। लेकिन आपके पास वो चीज है, इसलिए मैं इधर आ पाया और आपसे ये बात कर सका। इसका मतलब है तुम बाहर नहीं निकल सकते हो। ये बहुत बुरा है, इसीलिए मैं आप लोगों का सहायता चाहता हूँ। प्रोफेसर भगत के पास जो है वो मनका किसी भी तरह ढूंढ के निकालोगे और इस चीज के अंदर डालोगे तो फिर मैं बाहर निकल सकता हूँ और पूरी जिंदगी मुझे वापस मिलेगा और मैं इस कंप्यूटर से बाहर निकलूंगा। जो मुझे खत्म करके दुनिया को सर्वनाश करना चाहता है उसको एक बार सिखाना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो वो मनका कहाँ पे है? हम जाके उसको लेके आएंगे। क्या हुआ, तुम क्यों उदास हो? मनका भगत के पास है, लेकिन वो किधर है वो मुझे पता नहीं। वही तुम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। तुम लोगों को बहुत संभालना पड़ेगा। वो कुछ भी करेगा, उसके पास सारी ताकत है। तुम फिक्र मत करो, वो किसी भी तरह हम बिल्कुल लेके आएंगे। उसके बाद ही वो बाचू को भी दिखाएंगे हम कौन है। उसके बाद हम प्रोफेसर भगत को देख लेंगे। जो तुम चाहो तब तक के लिए इस कंप्यूटर में मुझे सेव करके रखना। ठीक है, गुड बाय छोटा शैतान। Goodbye. अरे मेरे भाई, अब तक उठा नहीं? भैया उठो, आज रविवार है। आज बखत के पास जाके वो मनका लेके आना है। वो तो सही है, मैं तो सो ही गया। अभी रेडी हो जाएंगे। भैया थोड़ा धीरे चलो, हमें किसी भी तरह छोटा चेतन को बचाना पड़ेगा। वो भी सही है, मैं तो भूल ही गई। उस छोटे शैतान के बारे में सिर्फ हम दोनों को पता चलना काफी है। मुझे सिर्फ वो मोती चाहिए, उसके बाद वो छोटा शैतान। वाह, वो मनका कहाँ गया? ये छोटा शैतान, मुझसे ना खेलो, मुझसे नहीं, छोड़ दो। ये मैं तेरे को जरूर दरलाऊंगा। बिना ये मनका तू कुछ नहीं कर पाओगे। तेरा खेल इधर नहीं चलेगा। प्रोफेसर बग्गा इतनी जल्दी किधर जा रहा है? मेरे ख्याल से जो हमारे पास है उसी के लिए गए होंगे। वो तो गेट भी बंद करने भूल गए। अभी बहुत ही अच्छा अवसर मिला है हमें। आओ हम अंदर जाके उस मनका को ढूंढेंगे। तुमने सही बात बोला, उसके वापस आने तक हमें अंदर जाके मनका लेना पड़ेगा। साइकिल छुपा के रखे जाएंगे। चलो अंदर। उधर जाके देखते हैं। इधर तो सब कुछ बंद है। क्या ऐसा हो सकता है कि बखत अपने साथ मनका लेके गया? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। पता नहीं वो भगत किधर गया होगा। एक बात तो निश्चय है, उसके पास कोई और भी जगह है जहाँ से वो ऑपरेट करता है, वहीं से वो सब कुछ करता होगा। सही बात है, जो तुमने कहा वो सच होगा। यहाँ तो सब कुछ सुरक्षित और बंद करके रखा है। अभी हम कैसा वो मन का ढूंढ पाएंगे? मेरे पास एक आइडिया है, जब तक वो यहाँ आएंगे हम यहीं कहीं छुप जाएंगे। अगर ऐसा है तो उनके सारे राज हमारे सामने खुल जाएंगे। अगर इसके बारे में हमें कुछ भी सूचना मिल जाएगी। ग्रेट आइडिया। सुनो, इसको देखा क्या? वो मनका इसके अंदर होगा। तुमने सही बोला, जरूर इसके अंदर ही है। एक और बार ट्राई करता हूँ। ठीक है ठीक है। इसका तो ताला कूल ही नहीं रहा है। जब तक भगत आएगा तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। इसके पीछे हम छुप जाएंगे। भगत जब आएगा हमें देख नहीं पाएगा। ठीक है, इसके पीछे छुप जाएंगे हम भगत के आने तक। ठीक है। आओ जल्दी आओ, हम जाके देखेंगे। अभी चलो। देखो, भगत गाड़ी निकाल रहा है। वो मनका हमारे हाथ नहीं आएगा। क्या करें अभी? हमें छोटे शैतान को बचाने का कोई राज नहीं है। अभी हम क्या करेंगे? देखो, वो बाहर गिर गया और भगत ने वो देखा भी नहीं। चलो जाके देखते हैं। उठा लो उसको। अरे मा, मा, मा। अब हम जीत गए। तरफ से नमस्कार। तुमको वो मनका मिल गया ना? तुमको कैसे शुक्रिया अदा करें मुझे पता नहीं। तुझे मालूम है हम भी बहुत खुश हैं छोटा शैतान। अब हमें बोलो, हम दोनों को क्या करना चाहिए? ये मनका लेके तुमके पास वो चीज है, उसके अंदर डालना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर ए मनका कैसे जाएगा? ये तो बहुत छोटा है, ये कैसा होगा? पहले इस चीज को उठाना पड़ेगा, उसके बाद इसके अंदर डालने की कोशिश करो, तब देख पाएंगे कैसा होगा। चलो इसके अंदर डालो। ए मनका अंदर तो नहीं जा रहा है। सावधानी से करके देखो, कोई जल्दबाजी नहीं चाहिए। ये तो अंदर चला गया। ये देखो, ये कहाँ जा रहा है? छोटा शैतान जल्दी बाहर निकलो। छोटे शैतान, तुम जल्दी बाहर आओ। आओ बाहर आओ, बहुत जल्दी आओ। मुझे अगर तुम्हारे सामने आना होगा, तुम लोगों को एक मंत्र बोलना पड़ेगा, लेकिन किसी और को बताना मत। उस मंत्र को जब बोलेंगे तभी मैं तुम्हारे सामने आऊँगा। क्या है वो मंत्र? बताओ ना। यही है वो मंत्र। इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है। ओम ह्रीं तत् स्वाहा। तकिरम पकिरम, बाहर निकलो। अरे कुछ समझ में नहीं आया, एक और बार पढ़ के देखते हैं। ओम ह्रीं तत् स्वाहा तकिरम पकिरम, बाहर निकलो। वो मंत्र तुम लोगों ने पढ़ा ना? हाँ पढ़ा। ठीक है। हाँ, अरे वो तो गायब हो गया। अबे तुम मुझे देख सकते हो। वो मंत्र एक बार बताओ। ओम ह्रीं तत् स्वाहा तकिरम पकिरम, बाहर निकलो। अरे देखो, छोटा शैतान, माय डियर। तुम लोगों को ही मैं देख सकता हूँ, सिर्फ वही नहीं। तुम लोग जब भी चाहो सिर्फ वो मंत्र बताओ और मैं तुम्हारे सामने आ जाऊँगा, फिर तुम्हारा सारे ख्वाहिश पूरा करूँगा। बताओ, काफी है ना? वो मंत्र बोलना मत। नहीं बोलेंगे। छोटे शैतान, पहले पाचू को दिखाना है हम कौन है, उसके बाद हम प्रोफेसर बहत को देख लेंगे, समझे? लेकिन छोटे शैतान, पहले हम उधर ही जाएंगे। जरूर, हम पहले पाचू के पास ही जाएंगे। उसके पहले मैं एक बात पूछूं? हाँ पूछो। मुझे भगत के पास है बचाया तुम लोगों ने, और तुम लोगों को मैं भी कुछ दूंगा। तुम क्या दोगे? तुम लोगों को जो भी चाहिए वो मैं दूंगा। आइसक्रीम और चॉकलेट मैं खाना चाहती हूँ, लेकिन इसमें कोई भी अभी शुद्ध नहीं मिलता है। हमें शुद्ध आइसक्रीम और चॉकलेट दोगे? ठीक है। अभी जो दुकान में मिलता है वो लाभ के लिए शुद्ध नहीं होता है और तुम लोगों को धोखा देता है। वो खाएंगे तो हमारे तबीयत के लिए वो बुरा होता है। इन सब चीजों के गुलाम बनता है। उसके बाद बहुत सारा दवाया भी लेना पड़ेगा। वो तो बहुत बड़ी बुरी बात है। ये सब हमें खाना नहीं चाहिए। वापस से अच्छे खाना मिलना चाहिए। अभी मैं तुम दोनों को शुद्ध आइसक्रीम और चॉकलेट खिलाऊंगा। मेरे ऊपर बैठ जाओ। हाय। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। दिखने में ही बहुत बढ़िया है। खाओ खाओ, जितना भी चाहिए उतना ही खाओ। अगर ये काफी नहीं है तो मुझे बताओ, मैं दे दूंगा। हाँ, मेरा पेट भर गया। मेरा पेट भी भर गया। जितना चाहते हो उतना खाओ। अगर हो गया तो हम वापस जाएंगे। देखो वो बाजू है। किधर जा रहे हो तुम दोनों? आज के दिन लीव ले लो तुम दोनों। अरे आज हम क्यों लीव लेंगे? घर जाके खूब खेल सकते हो। सिर्फ खेलना ही अच्छी बात नहीं है, थोड़ा वक्त पढ़ाई भी करना चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन मेरे स्कूल में पढ़ाई मत करो। तुम लोगों को हम पढ़ाएंगे नहीं, देखते रहना। हम दोनों अच्छी तरह फीस भर के पढ़ रहे हैं। फीस? तुम्हारे फीस मुझे नहीं चाहिए। पाचू तुम इधर से निकलो, हमें स्कूल जाना है। मैं नहीं जाऊंगा तो तुम क्या करोगे? पाचू को डराना मत। तुम आओ, हम जाएंगे। अभी तुम कैसे स्कूल जाओगे? तुम अभी रोते क्यों नहीं हो? मैं नहीं रोऊंगी, तुम ही रोने वाले हो, देखते रहो। तो मुझे दिखाओ। ओम ह्रीम तत् स्वाहा, तकिडम पकिडम बाहर निकलो। तुमने अपने आप के बारे में क्या सोचा है? मैं दिखाऊंगा तुम्हें। तुम्हारे कपड़े में जो दाग था वो कैसे निकल गया? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मुझे बचाओ। अरे बस करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। प्लीज मुझे छोड़ दो, अब से मैं किसी को भी कुछ नहीं करूँगा। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो प्लीज। सच में कह रहे हो? सच में। अगर ऐसा है तो भाग के निकलो यहाँ से। Thanks, शैतान। Welcome. Yes, 98% सक्सेस। क्वेश्चन वाटर तैयार, 2% बाकी है, उसके लिए ये मन खा बस। ओ, शैतान, तो फिर से मुझे धोखा दिया। परवाह नहीं, मुझे ये क्वेश्चन वाटर बस है, इसे इस्तेमाल करके मैं सक्सेस पाऊंगा। देख लो, मैं इस दुनिया का राजा बनूंगा, तू देखते ही रह जाओगे। मैं जीत लिया, कोई मुझे कुछ नहीं कर सकेगा। मैं इस दुनिया को बर्बाद कर दूंगा, देख ले। मैं 100% सफल हो गया। अब से इस दुनिया का राजा मैं हूँ, ये मेरा दुनिया है। आज की ताजा खबर, दुनिया को हिलाने वाली खबर के साथ मिस्टर एक्स ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक ईमेल भेजा है। इस दुनिया का सर्वनाश होने के लिए जो भी चाहिए वो सब उनके पास है, ऐसा करके उन्होंने ईमेल में बताया है, और इसके लिए वो कुछ भी करेंगे ऐसा संदेश दिया है। इनको पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है। ये कौन है, किधर है, किसी को भी पता नहीं। सारी दुनिया इसी के चर्चे में है। सारे राष्ट्रपतियों का एक मीटिंग उन्होंने बुलाया है। इसके साथ आज की बुलेटिन समाप्त होती है। दूसरी बुलेटिन थोड़ी ही देर में होगी। ओह माय गॉड, ये एक्स जो है वो कौन है? चिंता करने की जरूरत नहीं, वो तो यही है प्रोफेसर बखत। इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। आओ, हम शैतान को बुलाएंगे। ओम ह्रीम तत् स्वाहा, तकिडम पकिडम, बाहर निकलो। जा रहे हैं? हम ओमेगाटिनस नाम का एक दूसरे प्लेनेट में जा रहे हैं। वही भगत का एक दूसरी जगह है। तब तो वहीं से ही वो दुनिया का सर्वनाश करने वाला है। हाँ, तुमने जो बोला वो सही है। वही है ओमेगाटिनस, वही है भगत की जगह। दुनिया में से उसको ढूंढ निकाल नहीं सकते। हमको संभलना रहना पड़ेगा। हमारे आने के बारे में उसका पता नहीं होगा। मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे 100 ट्रिलियन डॉलर्स चाहिए। अगर नहीं दिया तो दुनिया भर पानी को ड्राई कर दूंगा। आधा बोतल कॉस्ट्यूम वाटर बस है, दुनिया को सूखा दूंगा। आप तो सुन रहे हो क्या? समझ गया ना? डोंट वरी मिस्टर रेक्स, तुम्हें जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहिए। हमारे चेंबर मिल रही है। तुम जो भी कहोगे वो हम स्वीकार करेंगे। सो प्लीज, तुम्हें जो भी चाहिए हम देने वाले हैं। मैं एक सैंपल रॉकेट को धरती पर भेजता हूँ। जब एक नदी सूख जाएगा, मेरा ताकत को आप जान लेगा। उसके बाद भूमि में सब नदियों को सुखा दूंगा। नेवर डू दैट। हमें थोड़ा सा वक्त दो प्लीज। छोटा शैतान, हमारा दुनिया को हमको बचना पड़ेगा किसी भी तरह। सही शैतान, हमारे दुनिया को कुछ भी होने नहीं देना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, हम देखेंगे क्या होने वाला है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हाँ, ये ठीक है। एल सुपीरियर, इसको सुखा देते हैं। मैं जल्दी जाके दुनिया वालों को मैसेज करके आती हूँ। ठीक है, तुम उधर जाओ, हम इस तरफ जाएंगे। कम ऑन। हेलो कंट्रोल रूम, मिस्टर प्रेसिडेंट से बात करना है, जल्दी प्लीज। यस मैडम। मिस्टर प्रेसिडेंट, हम ओमेगा एटनस प्लैनेट से बात कर रहे हैं। यही पे है आपके मिस्टर एक्स। प्रोफेसर बहत है उनका नाम। उसने आपको जो भी पूछा है उसको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको खत्म करके मैं लौट रही हूँ। आप कौन हो? आप ओमेगा एटनस कैसे पहुँचे? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यू डोंट वरी अबाउट दैट मिस्टर प्रेसिडेंट। सारी डिटेल्स में वापस आके बताऊंगी। अभी बताने के लिए समय नहीं है। अगर हम वहाँ आ पाएंगे तब बताएंगे। थैंक यू। आप दुनिया जानेगा मेरा ताकत क्या है। मैं अभी आता हूँ। कैसा हुआ? कैसा ये हुआ? किधर गलती हुआ? भगत, तुम हमारी दुनिया को खत्म करने वाले थे। तुम लोग इधर कैसे आए? वही ये सब वो छोटा शैतान का काम ही होगा। छोटा शैतान, ये सब तुम्हारा काम है ना? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। नहीं बहक, तुम उसको कुछ भी नहीं करोगे। हमारे पास सिर्फ एक ही दुनिया है। तुम जैसे लोगों से धरती माता बहुत सह चुकी है, अभी सह भी रही है। सबको खत्म करने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा? साइंस में अभी तक जो भी किया है वो सब हमारी दुनिया के रक्षा के लिए है। तेरा प्रसंग को बंद कर। मुझे एडवाइस देने का हैसियत तुम लोगों को नहीं आया अब तक। इधर से तुम लोग जा नहीं पाओगे। फंस गया मेरे पास। तुझे अभी तक पता ही नहीं। अभी मैं दिखाऊंगा। हम जीत गए। तुम जैसे लोगों की जरूरत नहीं है दुनिया में। तुमने जो भी हथियार बनाया है उसी से तुम्हारी नाश होगी। Goodbye, Mr. Bahan.